वेलकम फ्रेंड्स, नाउन क्लास से रिलेटेड इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आज हम देखते हैं कि नाउन क्लास को हम सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं नाउन क्लास की मदद से। सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन कौन से सबॉर्डिनेटर हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया भी था कि सबॉर्डिनेटर्स के बगैर कोई भी सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बनाई जा सकती। हु, विच, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, दैट, इफ और वेदर। इन सब वर्ड्स को ध्यान से देखें। जब हम इन्हें हिंदी में समझते हैं तो इन सब से पहले का, की, ये अक्षर से शुरू होता है। हु की कौन, विच की कौन, की कहाँ, की क्यों, की क्या, की कब, दैट सिर्फ की को बताता है। इफ वेदर की क्या, फिर से समझते हैं इसको। व्हेन की कब, यानी कि जब भी हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका अर्थ निकलता है का अक्षर से। एग्जाम्पल हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट। यहाँ पर नाउन क्लॉज हमारी क्या है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ये किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब क्या है, इज। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज डेड। This news is not true. This news that he is dead. Not is not true. फिर से देखते हैं इसको। This news, यहाँ पे noun clause क्या है, that he is dead. और यहाँ पर noun clause किसका काम कर रही है, in opposition to a noun. अब नाउन कहाँ है यहाँ पर, न्यूज। इसके जस्ट बाद नाउन क्लॉज स्टार्ट हुई है, दैट ही इज दैट, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ये मेन क्लॉज है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, यू से सो इट इज नॉट करेक्ट। व्हाट यू से इज नॉट करेक्ट, व्हाट का मतलब क्या निकला है यहाँ पे, जो जो तुमने, जो तुम कहते हो इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, इट्स। मिस्टर सिंह सैड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट, आई डू नॉट एग्री टू। टू क्या है, प्रिपोजिशन है, और इस प्रिपोजिशन के जस्ट बाद स्टार्ट हुई है, व्हाट मिस्टर सिंह सैड, ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है, और किस रूप में यहाँ आ रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिपोजिशन। ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, इफ ही इज इनोसेंट, मुझे नहीं मालूम कि क्या वह निर्दोष है या नहीं है। दोनों संभावनाएं यहाँ छिपी हुई हैं, और इस तरह के जब भी सेंटेंस आते हैं वहाँ पर इफ और वेदर से हम स्टार्ट करके हम नाउन क्लॉज बनाते हैं। इट इज नॉट नोन व्हेन विल ही अराइव, व्हेन ही विल अराइव इज नॉट नोन, वह कब आएगा मालूम नहीं है। व्हेन ही विल अराइव क्या है, नाउन क्लॉज है और सब्जेक्ट है, और इज क्या है, ये वर्ब है। ही विल नॉट हेल्प मी, आई नो दिस, आई नो दिस दैट ही विल नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पर दिस क्या है, इन अपोजिशन ऑफ ए प्रोनाउन, ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था इन अपोजिशन ऑफ टू ए नाउन। अब ये देखिए, आई नो दिस, दिस क्या है, ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के फौरन बाद यहाँ पर नाउन क्लॉज स्टार्ट हुई है।
Who wrote the Ramcharitmanas? Can you tell me? Simple sa cheez hai. Can you tell me who wrote the Ramcharitmanas? Tum bata sakte ho kya? Ramcharitmanas kisne likha? Who as a subject bhi hai. Aur who jo hai yahan subordinator bhi hai. Someone stole my watch. I do not know him. I do not know who stole my watch. Who stole my watch kya hai? Ye noun clause hai. Aur iska subject kya hai? Sorry, verb kya hai? Know hai. Ye kuch example maine samne rakhe hain. जिनसे ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम नाउन क्लॉज की मदद से दो सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की इसको कोशिश कीजिए. और अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए.